नमस्ते पेरेंट्स, आज का जो वीडियो है वो आप पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे नीट या जेई की तैयारी करते हैं। हर साल मुझे सैकड़ों पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं कि हम बच्चे को एक अच्छा करियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने इतने साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से या पेरेंट्स के साथ डिस्कशन के एक्सपीरियंस से सीखा है। सबसे पहले काम आपको जो करना है वो ये है कि आप बच्चे की जो पढ़ाई है उसकी विजिलेंस रखें। आप देखें कि बच्चा अपना रूटीन प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, क्या वो ढंग से क्लास नोट्स बना रहा है, क्या वो क्लास नोट्स को ढंग से रिवाइज कर रहा है। जब वो पढ़ाई करता है ऐसा तो नहीं है कि उसके पास बहुत सारे सोशल मीडिया गैजेट्स हैं जो कि सिर्फ आपको लगता है कि बच्चा बैठा हुआ है पढ़ाई कर रहा है। जब वो पढ़ाई करता है क्या वो प्रॉपर टेबल पर बैठ के पढ़ता है। ये कुछ चीज़ें हैं क्योंकि बच्चा आपके साथ घर में रहता है, आपको देखनी पड़ेंगी। आप एक बार अगर उसका रूटीन सेट करवा देंगे तो वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि बच्चों के साथ आपको उसका एक इमोशनल सपोर्ट बनना है। नॉर्मली मैंने देखा है कि पेरेंट्स काइंड ऑफ एक पुलिस वाले की तरह बहुत बार बिहेव करते हैं बच्चे के साथ, और बच्चा उनसे खिंचने लगता है, चिढ़ने लगता है या उनके साथ शेयर करना बंद कर देता है। इन दो सालों में बच्चे की एज के अकॉर्डिंग बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। वो थोड़ा स्ट्रेस में है उस वजह से भी उस पर बदलाव आ रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही उस वजह से उसे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम। वो एक ऐसा दोस्त ढूंढना चाह रहा है कि जो उससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। आप पेरेंट्स को वो दोस्त उसे दिखना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना। देखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं आएगी। जब आप बच्चे से प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ये पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी जड़ तक जाएंगे, तब हमारा बच्चा इम्प्रूव करेगा। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका आपको एक प्रॉपर शेड्यूल सेट करवाना है जिसमें बच्चा पढ़ते टाइम पढ़ाई में ध्यान दे, बीच में थोड़ा बहुत उसके लिए टाइम टू टाइम रिक्रिएशन भी चले, बीच में उसके लिए ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उसे करने में अच्छी लगें। अगर आप सोचते हो कि दो साल के लिए सब कुछ बंद करके बच्चा सिर्फ पढ़ाई करेगा तो उसमें बर्नआउट होने का खतरा है, बच्चा स्ट्रेस में आ सकता है और इफेक्टिव पढ़ाई उसकी कम होगी। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि एवरी सिंगल डे द चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो खुश फील करे, मजे से पढ़ाई करे, अपने लिए पढ़ाई करे। अगली जो चीज़ है, बच्चा आपको कोई भी प्रॉब्लम बताता है, जिस भी इंस्टीट्यूट में बच्चा जा रहा है अगर हमारे पास पढ़ता है, आप जो भी प्रॉब्लम हमारे से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, वो उसके टीचर से या इंस्टीट्यूट में जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव उससे शेयर करें और उनके साथ बैठकर उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। ये नहीं होना चाहिए कि उसने आपको प्रॉब्लम बताई कि मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपने ये निकाला कि चलो फिजिक्स की अपने एक और ट्यूशन लगा लेते हैं, तो उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन नहीं दिया, इनफैक्ट प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स कर दिया। बिकॉज दो जगह पे अगर वो फिजिक्स पढ़ेगा तो हो सकता है दो टॉपिक चल रहे हो, उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होगा, वो टाइम उसे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब बच्चा 11 12th में आता है तो उनकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे गेट अट्रैक्टेड टू, मतलब बॉयज गर्ल्स जिस भी अपोजिट सेक्स के साथ वो अट्रैक्टेड फील करते हैं या फ्रेंड बनाना चाहते हैं। कई बार कई घरों में इस चीज़ को बहुत गलत माना जाता है और वहाँ पे घर में बहुत स्ट्रेन पैदा हो जाता है। हमें बच्चे की इस तरीके से काउंसलिंग करनी है कि उसे ये समझ में आए कि आज उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है या उसके लिए डिस्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। तो बच्चे को अगर हम ढंग से समझाएंगे और लगातार उसकी काउंसलिंग करेंगे तो वो सही रास्ता पकड़ लेगा। कुछ पेरेंट्स एक बार काउंसलिंग करके ये सोचते कि हमारा काम खत्म हो गया। मैं पेरेंट्स को एक बात बोलता हूँ कि जो हम जॉब करते हैं वो हमें सर्वोपरि सबसे ऊपर लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पेरेंट्स आपको ये भी सोचना है कि ये दो साल हैं जिसमें बच्चा अपने करियर के लिए प्रिपरेशन करना है, उसके लिए वो तपस्या सिर्फ उसकी नहीं है, हम पेरेंट्स की भी हैं। तो हमें एक बार काउंसलिंग से काम नहीं करना, हमें लगातार अपने बच्चे के साथ जिसको हमने इतना बड़ा किया है 2-3 साल और लगाने हैं ताकि वो खुशी से अपने के लिए प्रिपेयर कर सके, मेहनत कर सके और पूरे फैमिली में खुशियां ला सके। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है।
और इन केस आपको हमारी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम को डिस्कस करके सॉल्व करने में की। थैंक यू वेरी मच। आप सबका ये जो एकेडमिक ईयर है बच्चों का बहुत बहुत अच्छा जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड उनको वो सब मिले जो वो एम कर रहे हैं। थैंक यू।